साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस को नई सौगात मिली है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 83 इलाके में एक निजी बिल्डर ने अपनी जमीन पर थाना बनवाकर गुरुग्राम पुलिस को सौंपा है। इस मौके पर गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर के राव ने पहुंचकर थाने का उद्घाटन किया। पुलिस कमिश्नर की माने तो इस थाने के खुलने से स्थानीय लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरुग्राम का सेक्टर 82-83 और आसपास का पूरा इलाका खेड़की दाला थाने इलाके के अंतर्गत आता था, मगर पुलिस की पहुंच हाईवे से इस जगह तक पहुंचने में मददगार साबित नहीं हो पाती थी। मगर ऐसे में इस इलाके के बीचों बीच थाने के खुल जाने पर कहीं ना कहीं लोगों को पुलिस सहायता मिलना आसान हो जाएगा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने यह तो साफ कर दिया कि लोगों को इस थाने के खुलने से काफी राहत मिलेगी और आसपास के इलाके के लोग अपने आप को सुरक्षित मान सकेंगे। मगर सवाल ये उठता है कि गुरुग्राम के अन्य इलाकों में भी ऐसे अनेकों थाने हैं, मगर गुरुग्राम का क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या थाना खोल देने से ही लोग सुरक्षित हो जाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये पुलिस स्टेशन खेड़की 16-2008 के अंदर इसका नोटिफिकेशन हुआ था और हम लोग प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर अब तक किराए पे जो लेकर चला रहे थे और ये वाटिका ग्रुप ने हमारे को आज हैंड ओवर किया है, जो लगभग 3 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन था। बीच में 1 साल बंद रहा कोरोना की वजह से और इसमें पुलिस स्टेशन में सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं और जो थोड़ी बहुत कमी होगी वो हम पूर्ण कराएंगे। इससे नज़दीक के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, जितना डेवलप्ड एरिया है यहाँ पे वहाँ लोगों को आने में दिक्कत कम होगी। जी हाँ, आई एम कमांडर नवीन बख्शी, प्रेसिडेंट ऑपरेशन वाटिका ग्रुप। बिल्डिंग आपने हैंड ओवर किया जी, किस तरह से मानते हैं पुलिस को, कितना सहयोग होगा इसको? देखिए, वाटिका ग्रुप ने ये बिल्डिंग अपनी ज़मीन पे और अपनी कंस्ट्रक्शन करके पूरा पुलिस को हैंड ओवर किया है, क्योंकि अब ये इस समय की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा पुलिस स्टेशन होना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने सीपी साहब ने भी एक मेंशन किया कि मुझे ये लगता है कि ये पुलिस स्टेशन गुड़गांव का सबसे बेस्ट आज की डेट में लग रहा है। तो हमने कोई भी क्वालिटी में, कंस्ट्रक्शन में और मेंटेनेंस में, किसी चीज़ में, ग्रीनरी में, आप देखिए ये थोड़ी देर के बाद देखेंगे पूरा ग्रीन, लश ग्रीन हो जाएगा। तो हर इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हमने ये बिल्डिंग बनाई है। आप देखिए कितनी खुली खुली है, ताकि एयर ही रहे, ताकि जहाँ के जो पुलिस कर्मी हैं, जो काम थक हार के आते हैं, ताकि उनको पूरी सुविधा मिले कि वो आके यहाँ पे पूरा अपना बंदोबस्त हमने किया हुआ है, पानी का, नहाने का। वो पुलिस वालों ने अपना यहाँ पे डाइनिंग रूम, पेंट्री सब खोल कर रखा है, तो यहाँ के उनको एक तरह से घर की फीलिंग आए। इस तरह से हमारा एम था कि हम ऐसा पुलिस स्टेशन बनाएं। क्या मानते हैं कि पुलिस वालों को जब आराम मिलेगा तो अच्छा बेहतर काम कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लाइफ वर्क बैलेंस तो होना चाहिए, जो आप भी जानते हैं कि अगर उनको अच्छा रेस्ट मिलेगा तभी वो अपनी ड्यूटी पूरे जोश से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए हमने उसी तरीके से हमने इस पुलिस स्टेशन को बनाया। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।